हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, 11th क्लास में कृषि रसायन इसकी बात करेंगे अपन। यहाँ पर कृषि रसायन की बात करेंगे, जिसकी शुरुआत अपन लेशन नंबर 1 से करते हैं। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर बेटा? आपको रसायन विज्ञान की ही शाखा कौन सी, कृषि रसायन के बारे में अपन को यहां पर अध्ययन करना है। क्लियर? तो सबसे पहले अपन को क्या जानना जरूरी है कि रसायन विज्ञान क्या है। क्या जानना जरूरी है अपन को? रसायन विज्ञान क्या है। फिर अपन उसको किससे जोड़ेंगे? कृषि क्षेत्र से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे अपन? कृषि क्षेत्र से। आप सब लोग भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हो, तो कृषि क्षेत्र में क्या क्या रसायन प्रयुक्त किए जाते हैं उनके बारे में अपन जो अध्ययन करते हैं, उसके लिए जो रसायन काम में ले जाते हैं, तो उसका जो पूरा पूरा अध्ययन है वो आपको किससे जुड़ा हुआ है? कृषि रसायन से जुड़ा हुआ। तो उसके लिए अपन यहां पर मूल अवधारणा बेसिक चीजें अपन यहां पर देखी। तो शुरुआत कहां से करेंगे अपन? कि सबसे पहले बात करेंगे अपन रसायन विज्ञान होती क्या है, फिर बात करें अपन कृषि रसायन क्या होती है। क्लियर? फिर बात करेंगे अपन वैज्ञानिकों के बारे में कि वैज्ञानिकों ने क्या क्या किया, रसायन विज्ञान किसने दी, भारत में कौन कौन से वैज्ञानिक हुए। क्लियर बेटा? फिर बात करेंगे अपन कि रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। क्लियर? क्योंकि आपको 10वीं क्लास में आपने विज्ञान में जो पढ़ा था उसमें केमिस्ट्री भी पढ़ी थी, फिजिक्स भी पढ़ी थी, बायोलॉजी पढ़ी थी, पर्यावरण भी पढ़ी थी आपने। अब आपके ये अलग होगी चीज। आपने अगर कृषि आपका संकाय लिया है तो उसमें आप क्या पढ़ोगे? जीव विज्ञान, बायोलॉजी पढ़ोगे, एग्रीकल्चर पढ़ोगे, कृषि विज्ञान, और आपका ये कृषि रसायन, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री पढ़ोगे। क्लियर? अलग अलग ये सारी चीजें आपके। तो अब आप यहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ोगे। अब तक कंबाइन था, अब आपने कृषि वाला क्षेत्र यूज किया है तो वहां पर अपन कृषि रसायन, कृषि जीव विज्ञान, तो कृषि विज्ञान, ये तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। हिंदी इंग्लिश सबको मन पढ़ते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में अपन क्या करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या बात करेंगे? सबसे पहले तो अपन बात करेंगे परिभाषा। इसकी परिभाषा, रसायन विज्ञान की परिभाषा, उसी से अपन किसकी परिभाषा बनाएंगे? कृषि रसायन विज्ञान की। किसी बनाएंगे बेटा? कृषि रसायन विज्ञान की। बात क्लियर है? ठीक है। फिर बात करेंगे विज्ञान जो है, कौन सी विज्ञान है ये? कृषि रसायन विज्ञान। विज्ञान बिना वैज्ञानिकों के संभव नहीं है। जो भी आज तक विज्ञान में आविष्कार हुए हैं वो किन्होंने किए हैं? वैज्ञानिकों ने। तो अपन उसकी बात करेंगे। भारत में कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने रसायन विज्ञान में योगदान दिया है। क्लियर? फिर अपन बात करेंगे लास्टली किसकी? रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपन परिभाषा से। इससे परिभाषा से। क्लियर? तो देखो, परिभाषा सबसे पहले लेते हैं अपन रसायन विज्ञान। तो यहां पर कहेंगे विज्ञान की वह शाखा, कहां से निकली बेटा ये? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण संगठन वर्गीकरण व उनके मध्य होने वाली
अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। क्या कह रहा हूं बेटा मैं? विज्ञान की वह शाखा। मैंने भी बताया आपको कि टेंथ में आपने विज्ञान पढ़ी है, वहां पर सारी चीजें थी, फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी, बायोलॉजी भी थी, पर्यावरण भी थी, कृषि भी थी, और उसमें से अलग होगी तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन, वर्गीकरण, उनके मध्य होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान। क्या कहलाती है बेटा? रसायन विज्ञान कहलाती है। क्लियर? और अगर इसका उपयोग किसमें किया जाए? कृषि क्षेत्र में किया जाए। किसमें किया जाए? कृषि क्षेत्र में किया जाए तो इसको अपन क्या कहेंगे? कृषि रसायन कहेंगे। क्या कहेंगे अपन इसको? कृषि रसायन कहेंगे। क्लियर? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इट इज क्लियर? इसका उपयोग किसमें किया जाए? कृषि क्षेत्र में किया जाए तो शाखा का नाम क्या हो जाएगा? कृषि रसायन विज्ञान एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। क्लियर बेटा? डेफिनेशन सबको क्लियर होगी, परिभाषा। अब बात कर लेते हैं किसकी? वैज्ञानिकों की। किसकी बात कर लेते हैं? वैज्ञानिकों की, क्योंकि विज्ञान वैज्ञानिकों के बिना संभव नहीं है। विज्ञान वैज्ञानिकों के बिना संभव नहीं है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं किसका? रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो ये है आपका लेओजिया। कौन है बेटा? लेओजिया, एंटनी लेओजिया। कौन नाम क्या है इसका? एंटनी लेओजिया। ध्यान रहेगा सबको, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो अपन बात करते हैं रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान अपने भारत में नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पढ़ी जाती है। तो पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो रसायन विज्ञान का जनक है वो कौन है? एंटनी लेओजियर। अब ओनली नाम ध्यान रखना, कौन सा? लेओजियर, राइट। भारत में रसायन विज्ञान का जनक कौन है? भारत में रसायन विज्ञान का जनक कौन है? आचार्य डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र। इसकी बात करेंगे अपन, प्रफुल्ल चंद्र, प्रफुल्ल चंद्र राय। इसकी बात करेंगे बेटा, प्रफुल्ल चंद्र राय, राइट। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कब? 1901 में पुस्तक लिखी थी, कब? 1901 में। इसका नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ हिंदूज केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ हिंदूज केमिस्ट्री। भारत में रसायन विज्ञान के जनक कौन है? डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। इन्होंने 1901 में एक पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ हिंदूज केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हिंदूज केमिस्ट्री। क्लियर? इसके अलावा भी वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया जो भारतीय वैज्ञानिक हुए। कौन कौन से? महर्षि कणाद, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया सबसे पहले। महर्षि कणाद ने परमाणु सिद्धांत दिया सबसे पहले। इसकी बात करी मैंने आपको, महर्षि कणाद, राइट। इसके अलावा अपने पास में सोमदेव हुए, गोविंदाचार्य हुए, यशोधर हुए, नागार्जुन हुए, ये सारे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसायन विज्ञान में अपना योगदान दिया। जिनमें से नागार्जुन जो था उसने किस पे काम किया? धातु विज्ञान। किस पे काम किया बेटा? धातु विज्ञान पर।
नागार्जुन ने किस पे काम किया, धातु विज्ञान पर, क्लियर। उसके बाद अपने पास में चरक आता है, चरक ने क्या लिखी, चरक संहिता, क्या लिखी बेटा, चरक संहिता, इसमें किसका ज्ञान दिया, औषधियों का, किसका ज्ञान दिया, औषधियों का, राइट। एक और वैज्ञानिक हुए आपके, कौन से वैज्ञानिक हुए, सुश्रुत, कौन से वैज्ञानिक हुए, सुश्रुत, जिन्होंने क्या लिखी, सुश्रुत संहिता, क्लियर। और इन्होंने इसमें किसका ध्यान दिया, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन का, इसकी बात की, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन के बारे में। तो ये भारतीय वैज्ञानिक हुए जिन्होंने रसायन विज्ञान में अपना योगदान दिया, क्लियर। अब बात करते हैं अपन किसकी, रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में, इसकी बात करते हैं रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में। रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करते हैं, रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करते हैं, रसायन विज्ञान की शाखाएं, क्लियर। नंबर एक है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर। नंबर दो है कार्बनिक रसायन, इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर। नंबर थर्ड है भौतिक रसायन, क्या बोलते हैं, भौतिक रसायन, जिसको कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है आपका विश्लेषण रसायन, इसको कहा जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्लियर। फिर बात करेंगे अपन औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन, इंग्लिश में कहेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, क्लियर। नंबर सिक्स है अपने पास में जैव रसायन, इसको कहेंगे अपन बायोकेमिस्ट्री, क्लियर। नंबर सात अपने पास में पादप रसायन, इसको कहेंगे अपन प्लांट केमिस्ट्री, राइट। नंबर आठ आपके पास में मृदा रसायन, इसकी बात करेंगे अपन, नंबर आठ मृदा रसायन, इसको कहेंगे अपन सोयल केमिस्ट्री, क्लियर बेटा। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषण रसायन, औद्योगिक रसायन, जैव रसायन, पादप रसायन, और आठ नंबर पे कौन सा लिखा आपको, मृदा रसायन के बारे में, क्लियर। फिर बात करते हैं अपन नंबर नौ पे डेयरी रसायन, आजकल कृषि क्षेत्र में दूध का उत्पादन होता है और दूध कहा जाता है आपका डेयरी में, और वहां पर जो रसायन प्रयुक्त किए जाते हैं उसको कहते हैं डेयरी रसायन। तो ये अपने पास में हो गया आपका डेयरी केमिस्ट्री, क्लियर। और नंबर दस है आपका कृषि रसायन, इसकी बात करते हैं अपन कृषि रसायन,
मतलब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। क्लियर? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री राइट। एक और अपन बात कर लेते हैं, नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन उसको बोला जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें अपने पास में जो तीन मुख्य शाखाएं होती है, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक रसायन। और अपन जो पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? कृषि रसायन। इसी में आपकी ये तीनों इंक्लूड होगी। क्लियर? इस तरह से ये आपकी टोटल 11 शाखाएं होती है जिससे पूरी रसायन विज्ञान का निर्माण होता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।